पर अभी चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो क्या? अरे चप्पलें पड़ेंगी जो आएगा वोट मांगने। किससे गए ये? निगम पार्षद नहीं सुनता, जो यहाँ के अधिकारी बने पड़े हैं वो नहीं सुनते। दो साल से बिल्कुल ऐसे खाने को लाले पड़ेगा। MCD के इलेक्शन आ रहे हैं, वोट नहीं देंगे इसीलिए हम। पिछले 4-5 महीने से कोई काम भी नहीं हुआ। नमस्कार, अभी हम हैं तिमारपुर के वार्ड नंबर 11 गली नंबर 9 में ईसा चौक पर, और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव है और निगम पार्षद अब चुनाव के लिए भी यानी वोट मांगने के लिए प्रत्याशी लगातार यहाँ पर आएंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर? जी, समस्या आप सामने देख सकते हैं, रास्ता तक नहीं है पैदल निकलने के लिए भी, स्कूटर बाहर छोड़ के आने पड़ते हैं वहाँ। चोट लग गई, हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, बच्चे रोज गिरते हैं यहाँ पे, बुरा हाल है। एक गायें घूम रही हैं, एक लेडीज़ के टक्कर मारी, वो लेडीज मर गई, बताइए। हाँ, तो यहाँ तो ये बहुत बुरा हाल है। पार्षद को नहीं कहा आपने? अरे सबको कह लिया, कोई नहीं सुनता, सब ऐसे ही हैं। दुकानें भी हैं, पैदल नहीं आना, निकलना जाता। देखो ना हालत देख लो, पहले सड़क सही थी ये, लेकिन काम शुरू करने के लिए खोद के गए, आज तक बनी नहीं, ऐसे छोड़ गए, पूरी गली छोड़ गए ऐसे। पहले सही था रास्ता, ये तो खुदा का करना ही है कि ये नाला बना दिया है, इस पे पैदल निकल जाते हैं लोग, नहीं तो आने जाने को भी रास्ता नहीं है। तो बुरा हाल कर रखा है। तो इस बार अभी चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो क्या? अरे चप्पलें पड़ेंगी जो आएगा वोट मांगने। चप्पलें पड़ेंगी, चप्पलें जूते पड़ेंगे इनको, कोई भी आए। यहाँ के अंदर लोग सुनते नहीं है, नेता आते हैं बस वोट लेने के टाइम पर आ जाएंगे, उसके बाद सो जाते हैं, कुछ पलट के देखते नहीं है, फिर बस जब इलेक्शन जीतने के लिए ही करते हैं ये लोग, उसके बाद फिर पलट के बिल्कुल नहीं देखते कॉलोनी को। विधायक को भी आपने शिकायत की? दिलीप पांडे जी, दिलीप पांडे जी को करिए है, अमर लता को करिए है, जितने जनों को करिए, हमने कोई सुनवाई नहीं, बस आके देख के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। अब ये बताओ किस केस होगा, 21 साल 22 साल होगा हमें रहते हुए इस कॉलोनी के अंदर, ये अभी 3-4 साल से बहुत ही ज़्यादा गंद हो गया इस तरफ। उससे पहले करंजा जब भी सही थी बहुत गली है, अब तो बहुत ज़्यादा गंद हो गई। अब बताओ क्या करें सर आप? सर आपको दिखाई दे रही है ये समस्या? अब किससे कहें? ये निगम पार्षद नहीं सुनता, जो यहाँ के अधिकारी बने पड़े हैं वो नहीं सुनते, किससे कहें जाके? सरकार नहीं सुनती। RWA भी होगा यहाँ पर बना हुआ? RW है, PWD है, सारे हैं यहाँ पर, पर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। आप पीछे जाओ, सारी गलियाँ बनी पड़ी हैं, एक से एक साफ सुथरी हैं वहाँ, और झाड़ूएँ लगती हैं वहाँ, कर्मचारी आते हैं कूड़ा उठाने वाले, यहाँ क्यों नहीं आ रही? यहाँ रोड ही सही नहीं है तो गाड़ी कहाँ से आएगी, कर्मचारी कहाँ से आएगा? आपका कौन सा घर है? मेरा घर वो है। अच्छा, आगे है तो आपको पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, बताओ कैसे आते जाते? भाई इसी पे नाले पे चल रहे हैं, नाले पे गुजारा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम अभी हैं राइट पे वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर संस्था के प्रेसिडेंट अनीस फतिमा जी के पास, और ये खास तौर से बता रही हैं, खास तौर पर यहाँ पर जो उनकी गलियों की क्या कुछ समस्याएं हैं और कौन से इसका क्या निदान है, और निश्चित तौर पर चुनाव है, ऐसे में यहाँ पर सियासत भी होगी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप जो संस्था चलाती हैं और काफ़ी पुरानी संस्था है आपकी, लेकिन काफ़ी समस्याएं भी हैं आपकी गली में, साफ दिख रहा है। ये गली में तो आप ये देखते हुए हो, इसी रोड से चलते हुए आपने ये देख लिया होगा कि मतलब किस तरीके का रास्ता है और कैसे हालात हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं। और यहाँ जो गली नंबर 9 एक राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, ये गली नंबर 9 ख़ास तौर पे ईसा चौक, ख़ास तौर पे जो ईसा चौक है, ईसा चौक के लिए मेरे ख्याल में शायद रेगुलर जद्दोजहद तो 1.5 साल से चल रही है। ठीक, यहाँ पर जो पहले MLA थे पंकज पुष्कर जी थे, उनके देख रेख में ये थोड़ा सा रोड बना था जो बना था, तो अब जब दूसरे MLA आए तो उसके बाद में बहुत सारी गलियों में काम हुआ, बहुत काम हुआ, पीछे की साइड में 3 नंबर की साइड में, इसका अफगानी चौक की साइड में काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन ईसा चौक को खोद कर जो बना हुआ था उसको भी बाकायदा खोद कर छोड़ दिया ये। और अब जब अगर उनसे कुछ बात करते हैं कि जी इधर का बजट नहीं है, इधर का बजट ही नहीं है, अगर बजट नहीं था तो ये जो सड़क जो पहले बनी हुई थी उसको खोदा क्यों, खोद के क्यों डाला, इसको गंदगी का और नालियों का और गंदे पानी का अंबार क्यों बनाया? कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं बुज़ुर्ग
जो गिरे हैं, और अभी मैं अगर मुमकिन हो सका तो उनसे भी मैं बात करवा सकती हूँ। उनके बहुत गहरी चोट आई है, मैं खुद गिरी हूँ, मेरा ये हाथ अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। और छोटे छोटे बच्चों को तो मैंने ऐसे गिरते हुए देखा है, माँ बाप चल रहे हैं, बच्चा पीछे चल, मतलब माँ आगे चल रही है, बच्चा बीच में चला, पीछे बाप चला, यूं अंदर चला गया बच्चा। वो तो अगर बच्चा बाप पीछे नहीं होता और कोई आगे पीछे नहीं होता, नहीं पता चलता। इस तरीके से यहाँ पर ये हादसे हो चुके हैं, किसी के पेट में सरिया घुस गया, किसी के कोई गिर गया, बुजुर्ग बहुत सारे यहाँ पर ऐसे गिरे हैं, लेडीज गिरी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन कोई पार्षद से कोई समस्याएं इसका नहीं आ, उसको कोई निदान देने की कोशिश? ये तो आप सियासत तो खैर मेरे से ज़्यादा अच्छी जानते हैं, क्योंकि आप हैं पत्रकार और उसमें तो एक दूसरे के ऊपर टालने वाली बातें हैं। वो यूँ कहते हैं कि जी इनके तो देख रेख में नाली है, ये नालियों का काम करेंगे, और वो ये कहते हैं कि सड़कें बनाने का काम इनका है, ये सड़कें बनाने का काम करेंगे। अब हाँ, और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये मालूम है कि नालियाँ नहीं हैं, ये हमसे सिफारिश करोगे जी हमें वोट दो, हमारे पास आओ, हमारी पार्टी को दो, या आज़ाद हम खड़े हो रहे हैं तो हमें दो, क्यों दें? जब तुम खुद इस बात को कह रहे हो खड़े होकर कि ईसा चौक वाले खुद अपना काम करवा लेंगे, तो ठीक है अपना काम करवा लेंगे। जहाँ दोस्तों अभी हमें तिमारपुर के वार्ड नंबर 11 में गली नंबर 9 में यहाँ पर गंदगी का अंबार है, लेकिन मेडिकल स्टोर है, निश्चित तौर पर दवाइयों के लिए लगातार लोग आते होंगे या रात में भी आते होंगे, आइए जानते हैं। सर रात में फ़ोन आ जाए, यहाँ पे दिक्कत तो बहुत है यहाँ पर पहले होता था जब यहाँ पे सड़क बनी थी तो जब तो कॉल आती थी, अब सब पूरे 9 नंबर में सबको मालूम है गंदगी है, तो इसलिए वैसे कोई आता नहीं है, मैक्सिमम पेशेंट वगैरह जो भी कस्टमर आते हैं अब उधर की साइड है तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। आपकी दुकान प्रभावित है इससे? तो हाँ बहुत 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 अफेक्ट पड़ा है, बहुत अफेक्ट पड़ा है। यही इसी गली में ही आगे, हाँ इसी गली समस्याएं आ रही हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो लग रहा था कि ये दुकान आपकी चल रही होंगी काफ़ी? नहीं सर बहुत अफेक्ट पड़ा है, बहुत इफेक्ट पड़ गया हमारा ही नहीं पूरी लाइन में जितने भी स्टोर हैं सब पे ही अफेक्ट पड़ा है, और यहाँ कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है एक साल से जब से सड़क टूटी है। सर कोई सुनवाई नहीं है, शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। कह रहा हूँ आज से 2 साल पहले तो काम था यहाँ पर, जब ये रोड थोड़ा बहुत चलने लायक था, अब 2 साल से बिल्कुल ऐसा खाने को लाले पड़ गया, दुकान बंद पड़ी है, काम होता नहीं, कस्टमर आता नहीं है कोई, तो लेडीज आती लेडीज का काम ज़्यादा, लेडीज आना बंद है बिल्कुल, गिरना पिड़ना काम ही बंद, दुकान का किराया देना भारी पड़ रहा है, घर से बाहर वाले जो अंदर से बाहर से आते थे वो लोग सब आना बंद हो गया, लोकल काम सारा खत्म हो गया, बिल्कुल खाली बैठे देखो आपके साथ में दब गई है बिल्कुल, सियासत में दब गई जी बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं है। ये तो अब लगे ढक्कन इसमें गिरी है लेडीज, मेरी वाइफ तक खुद गिरी है, मेरा बच्चा गिरा है इसमें, ये तो अभी लगे हाल फिलहाल महीना भर से ढक्कन लगाए, बच्चे इसमें गिर रहे थे खूब। जहाँ दोस्तों अभी हमें तिमारपुर के वार्ड नंबर 11 गली नंबर 9 और ईसा चौक पर हैं, और आपको जो दिखा रहे थे अमन जो दिखा रहे थे टूटी हड्डियों के माहिर, जहाँ यहाँ टूटी हड्डी जो निश्चित तौर पर हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से गली है यहाँ पर लोग लगातार गिरेंगे, और इसी कारण से यहाँ पर टूटी हड्डियों के खासतौर से माहिर भी यहीं पर हैं। लेकिन चलिए हम ये हड्डी वाले बैठे हुए हैं इनके पास, समझ लो जो भी आता है रोजाना एक दो तो आ ही आते हैं गिर के, ये देख लो रोजाना गिरते हैं, ये देख लो मैं भी 5-6 दिन पहले मैं भी गिरा था, मैंने भी इनसे पट्टी करा रखी थी टांग में, अब तो मैं सही है दर्द। यहाँ पे बहुत गंदगी है, सफाई नहीं है, सड़कों की सुविधा नहीं है, MCD के इलेक्शन आ रहे हैं, वोट नहीं देंगे इसी नहीं हम, हर कोई मना कर रहा वोट देने को, पत्ते नहीं खोल रहे कि हम वोट किसको देंगे, ये वक्त बताएगा कि हमारे कहाँ चले गए साहब के, हम अभी कह देंगे नहीं जब किसको देंगे काम, हम देख रहे किसने किस तरीके का। पिछले बार कांग्रेस को वोट दिए थे वो भाजपा ने, हमने किसी को हम बताएंगे ना, हम पत्ते खोलेंगे ना, हमने किसको दिया, हमें राजनीति करनी है, राजनीति यहीं पर ही हो रही है क्योंकि जगह बन नहीं रही है, कितना टाइम हो चुका है, अब ये हुआ था कि भाई इलेक्शन से पहले पहले बन जाएगा, लेकिन वो यहाँ का सिर्फ नाला बना के चलेगा, अब ये आप खुद देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है। मुझे करीबन 5-6 साल हो गए, असल में मैं यहीं पर डॉक्टर हूँ और मेरा क्लिनिक पास में ही है, तो यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट होते हैं कि रोड से गिर गए, चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेता लोग तभी आते हैं तब इलेक्शन का टाइम होता है, वैसे कोई कॉलोनी में कोई नेता वगैरह नहीं आता है, यहाँ पे तभी आएंगे जब इलेक्शन का बिल्कुल लास्ट टाइम होगा तब आके वादे करेंगे, लेकिन वादों को पूरा नहीं करते हैं। और यहाँ पर रोड है सामने, एक बार रोड दिखा दो कितना अच्छा रोड बना हुआ है, प्लीज़ सर एक बार, हाँ एक बार रोड दिखा दीजिए, देखो रोड कितना बुरा हाल है, यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और लेडीज़ भी होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, अगर बारिश हो रही है तो पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। 6-7 महीने हो चुके हैं गली को खोदे हुए, लेकिन इस पर जो है अभी कोई इस पर कार्य नहीं हो रहा,
इससे पहले बारिश भी आई, सारे कुछ हो गए, लेकिन ये जो है गली खोद के डाल दिए। न यहाँ रास्ता चलने के लिए है, न पीने का पानी है दिल्ली जल बोर्ड का। इधर इलाके वालों को तो ऐसे समझ लिया कि कूड़े में डाल दिया, जैसे हम लोगों को ऐसे है। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ तक बना दिया इन्होंने और इसके आगे बनाया ही नहीं, इधर छोड़ दिया। पिछड़े इलाके में, पिछड़ा इलाका है इधर की तरफ, ये सब छोड़ दिया सर इधर के लिए। तो ये हमारा करना कहना उनसे कहने को, हमारे को अच्छा अब लग रही है कि यूँ कहना क्या बात, सफाइयाँ हैं नहीं, यहाँ सफाई हो रही है। जो नाला बना दिया है, नाले के भी ढक्कन को ये बनाया, ये नाला भी बंद पड़ा हुआ है, ये नाला देख लीजिए ये भी बंद पड़ा हुआ है, इसको कोई खुलवाने वाला नहीं है। अब MCD के चुनाव भी आ रहे हैं, अब उनसे कहेंगे भाई चुनाव में वोट लेने के लिए आओ तो पहले हमारी नाली साफ करवा दो, फिर हम आपको वोट देंगे, ये है मेरा कहना। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं जहाँ है खास तौर से वजीराबाद में अफगानी चौक पर, जहाँ नियर छोटा मदरसा गली नंबर 9 में हैं, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आई जानने की कोशिश करते हैं। कुछ आ रहे हैं प्रचार के लिए? जी अभी कोई प्रचार नहीं है, अभी जो प्रचार है मुझे ऐसे लगे सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब आज फेसबुक पे देखो भरे रहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो सबके आ रहे हैं, लेकिन कोई अभी गली मोहल्ले में कोई नहीं आया, ना कोई बताने आया ना कहने आया। हमें तो कभी फेसबुक के जारी चला, प्रोमिला गुप्ता हो गया है इधर, अमरलता सांगवान है, ये सिर्फ एक, और कांग्रेस वाले का तो पता ही नहीं है अभी कि कांग्रेस से कौन है कौन नहीं। जहाँ अभी तो नाली की हालत देखो, ये आज ये जो गली मोहल्ले में सबने कूड़े वाली लगा रखी, सफाई वाला करके चल रहे, सफाई वाला आता कब है? और जब चलो कांग्रेस में था तो उसको ये था कि जब अमर लता सागवान कांग्रेस में थी तो ये था चलो कांग्रेस की वोट हमें चली जाएंगी, अब वो भाजपा है उसे पता है मेरी वोट तो है नहीं है, जब बांट नहीं तो काम क्यों कराएं? पिछले 4-5 महीने से तो कोई काम भी नहीं हुआ, कोई झाड़ू नहीं कुछ नहीं, किसी ने शुक्रवार के दिन अगर पता चल जाता कि जुमा है तो उस दिन झाड़ू लग गई, नहीं तो कोई झाड़ू। भाजपा में कब गए? पहले हो गए 7-8 महीने हो गए भाजपा में गए, उससे पहले तो यहाँ आते भी थे, मुलाकात भी होती थी, आती भी थी, उससे बाद में नहीं आई यहाँ पर। निगम के चुनाव में दरअसल समस्याएँ बहुत हैं सर, मगर ये कि काफ़ी वक्त लग चुका, 2 दफ़े हमारे 3 विधायक आ चुके हैं, एक तो 40-49 की सरकार के आबाद है, फिर आम आदमी के पास, अब भी आम आदमी के हैं, मगर जिसके हिसाब से सरकार है हमारी दिल्ली की और इलाकों में विकास कर रही है उसके आधार पे हमारे वजीराबाद में 100 में 10% और 20% काम हुआ है, इससे ज़्यादा काम नहीं हो पाया। चुनाव से गंदगी से क्या कंपेयर करेंगे, तो हम दसियों साल से चिल्ला रहे हैं गंदगी के लिए, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है तो आज ही इस बात को रखेंगे, अब तो फैसला होगा। अच्छा, फैसला होगा। हाँ, अब फैसला होगा, जिन लोगों ने जो इस तमाम एरियो को नकारा है और नज़रअंदाज किया है और यहाँ गंदगी पे रहने पे मजबूर किया है, सबक सिखाएंगे उन्हें, आ जाए वो कैंपेनिंग करने अपनी। अभी अभी तक तो कांग्रेस के थे, अब BJP में आ गए हैं पार्षद साहब, तो फिर से आएंगे वही आपसे वोट मांगने के लिए? पर्टिकुलर एक पार्षद की हम क्यों बात करें, अभी और जो दीगर पार्टियाँ जैसे हमारे MLA साहब हैं, जनता अपने आम आदमी पार्टी के हैं, उनका तो 10 साल झेला है, हमने 5 साल पंकज पुष्कर जी को झेला, 2.5-3 साल MLA साहब को झेल रहे हैं, तो जीतने के बाद आज तक तो कदम रखा नहीं उन्होंने यहाँ पे। दिल्ली सरकार जो इतने दावे करती है और फॉरेन कंट्री से कंपेयर करती है, तो लानत है उनके ऊपर जो वो इतने से छोटे से काम जो है वो आज तक नहीं करा पाए, तो अपने आप को क्या कहते हैं वो, क्या करेंगे? राजनीति राजनीति इसको नहीं कहते, अगर एक परिवर्तन के नाम पर आए हो, सुधार के नाम पर आए हो, तो कुछ करना चाहिए था। दिल्ली संभल नहीं रही, उसके आगे की गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया, आगे की प्लानिंग करते हैं, तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती। एक समस्या नहीं, अनेक समस्याएं हैं यहाँ पर, जहाँ हम खड़े हैं तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से रोडों को तोड़कर डाला हुआ है, पानी की निकासी नहीं है यहाँ पर, हालात ये होते हैं कि बरसात में घरों में पानी भर जाता है, अभी लास्ट टाइम जो बरसात हुई थी उसमें 2-3 डेथ भी हो गई यहाँ पर, तो जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद रहे हैं या जो MLAs हैं, जो यहाँ पर समस्याएं हैं बेसिक, वोट लेने तो वो लोग आ जाते हैं लेकिन जो उनकी बेसिक समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं करते, झूठे वादे देके लॉलीपॉप दे करके यहाँ उनको वो वोट तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं करते हैं। सर देखिए, अब तो इस टाइम डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ये 9 नंबर गली और तिमारपुर से जो हमारा रामघाट आता है इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं लोग इस चीज़ समस्या से, और कोई सुनवाई नहीं होती है सर यहाँ पर। वो जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वो पहले तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से यहाँ जीते, लोगों ने बहुत अच्छे से उनको वोट किया, सपोर्ट किया, अब उन्होंने क्या किया, जी BJP की तरफ माइल हो गए, तो वो जनता सब समझ रही है।
जहाँ दोस्तों अभी हमें वजीराबाद में जहाँ पर जामा मस्जिद है और यहाँ पर हमारे साथ नारी शक्ति हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर। सर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें हमारे भी बच्चे हैं, लॉकडाउनों में लोगों का काम छूटा, कुछ शुगर के मरीज से कुछ नहीं चला, उन बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट गई, स्कूल से कागज़ नहीं मिले, सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट दो। क्या डॉक्यूमेंट्स होना इतना ज़रूरी है कि वो बच्चा पढ़ाई से वंचित रहे, आखिर क्यों ये बताइएगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, वो कोई सी भी पार्टी हो, हमारा उनसे सिर्फ यही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि बच्चों का कृपया करके भविष्य खराब ना करें, चाहे उन पर कागज़ हैं या नहीं है, सिर्फ मेरा इतना ही अनुरोध है। हर हाथ जोड़कर खोजते हैं कागज डॉक्यूमेंट्स में क्या खोजते हैं, टीसी, आधार कार्ड नहीं, जैसे अगर मेरा बच्चा टीसी पूछते हैं, नहीं मिल पाई हमारे पास टीसी, या मेरे बच्चे के पास स्कूल कभी गया ही नहीं, कभी गया ही नहीं, या मेरे पास कागज में प्रॉब्लम आ रही है, ये 8th में भी आया, 9th में भी आया, 8वीं कक्षा तक नहीं पढ़ाई कैसे किया होगा, कहीं तो किया होगा, पढ़ाई किया था, कागज़ नहीं मिला, किसी वजह से नहीं मिल पाया, अगर हम दूसरे स्कूल पे भी अगर कुछ कर फी मांगते होंगे पुराने स्कूल आपको, इसीलिए कागज़ नहीं दे रहे हैं, नहीं मांगते, अगर हम उनके साथ भी कोई बदतमीजी करें या कुछ करें तो वो भी हमारा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एज अ पेरेंट्स, क्योंकि गलती कहीं हमारी भी रही है, पर मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है उनसे कि अगर किसी बच्चे पे कागज़ नहीं है तो कृपया करके उसे स्कूल में ज़रूर ले। क्या आपने अपने बच्चे को एडमिशन कराया? मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, 3 साल मैंने कोशिश करी, मैं हार गई, तो कहीं नहीं पढ़ रहा अभी, नहीं, कितना बड़ा है कितना? मेरा बच्चा इसी चक्कर में 17 साल का हो चुका, बिना पढ़ाई के अभी चल रहा। हाँ, मैंने उसको लास्ट में वर्क पे डाला, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं है तो कुछ सीख लो, ये 2 बच्चे हैं मेरे, फिर मैंने इनके लिए भागा दौड़ी करके, हाँ 2 बच्चों का मैंने अपना एडमिशन कराया नेहरू बिहार में, थोड़ा प्रॉब्लम आया पर उन्होंने कुछ मेरी बात को समझा, पर उन्होंने ले लिया, पर वहाँ मेरे बड़े बेटे का अदरवाइज एडमिशन कहीं नहीं। दोस्तों तो आप देखते रहते हैं कई समस्याएं हैं, उसमें एक है शिक्षा के, जिसका दावा किया जा रहा है कि दिल्ली एक मॉडल है, लेकिन बच्चों का नामांकन ही नहीं होगा, इस मॉडल का कैसे उपयोग करेगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ मानवी, नमस्कार।